उज्जैन शहर में महत्वपूर्ण वार्ड माने जाने वाले वार्ड 42 में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे और बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का सम्मान किया। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 42 के उम्मीदवार अंजलि बालकृष्ण पटेल भी मौजूद रहे। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि संपूर्ण उज्जैन जिले के अंदर विकास के कार्य हुए हैं और आगे भी होंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो उसे मजबूती प्रदान करने वाला और कोई नहीं बल्कि कार्यकर्ता है, जो संगठन हित के लिए हरदम हमेशा जी जान से काम करते हैं। और कम से कम बाबा महाकाल के यहाँ तो कोई को झूठ है ही नहीं। बाबा महाकाल की नगरी में ये राम वाली पार्टी के लोग है, कृष्ण वाली पार्टी के लोग है, हनुमान जी वाले लोग है, इनके यहाँ तो ये बर्दाश्त है ही नहीं। हमारे असुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है, देवी शक्ति वाले लोग है जो भगवान राम की जय जयकार करते जाते और परमात्मा परमारे आशीर्वाद देता जाता है। अब तो ये भाजपा का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे पूर्ण रूप से संदेश देना चाहता हूँ। मैं लगातार काम करता हूँ, जो यहाँ पे में काम नहीं हुए हैं, यहाँ की समस्या है काफी वर्षों से, एसी लाइन की समस्या है, सोमदीप कॉम्प्लेक्स की समस्या है और ड्रेनेज की समस्या है, इन्हें मैं पूर्ण करूंगा। ये मैं आप सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी उस दिन भाषण में कहा है कि नगर सरकार रहेगी तो केंद्र का और प्रदेश का पैसा सीधा आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर बनेगा जो वो ये जो बोर्ड बनने वाला है ये 2028 के सीएस का पूर्व का बोर्ड रहेगा जो काम करवाएगा। तो वास्तव में अगर कोई गलती से भी कांग्रेस का बोर्ड बन गया तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। बात बिल्कुल 100% सही है क्योंकि 15 महीने की सरकार हमने कमलनाथ जी की देखी है, ये आपस में एक दूसरे की खेचतान में बचे रहे और इनने ट्रांसफर उद्योग करा। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ी है विकास विकास और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ी है। विकास हम करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है और जिला पंचायत वो तो बनेगा ही और साथ में उज्जैन की भी जो नगर की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हमारा महापौर भी जीतेगा और हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।